हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। गाइस, हम लोग आ चुके हैं फुकेट के एक बीच रिसोर्ट में। ये आज है रवीना का बर्थडे, तो हमने सेलिब्रेट करने के लिए एक बुक किया था रिसोर्ट, और वहाँ पे हमें देखने को मिले कुछ इगुआनास। आप देख सकते हैं रवीना के हाथ में जो इगुआनास है, उसमें एक का नाम है लेडी गागा, एक का नाम है जैकी चैन, और एक और आएगा अभी, उसका नाम है लुलू। मेरे को तो बहुत डर लगता है रेप्टाइल से, बट मैंने एनी हाउ पकड़ने की कोशिश की। आप आगे देखिएगा व्लॉग में। एंड यहाँ आप देख सकते हैं रवीना को इनसे बहुत प्यार है, इन्होंने तो अपने सर पे भी बिठा लिया था। यू नो, ये लोग रवीना के साथ बहुत ही प्यार से यू नो घुल मिल गए थे। काफ़ी देर तक रवीना के पास बैठे रहे, रवीना ने तो गले से लगा के रखा, छोड़ा ही नहीं। रवीना को बहुत पसंद है वो, तो जैसे ही इन्होंने देखा कि ये बीच पे ये लोग लेके घूम रहे, रवीना तो तुरंत लेने पहुंच गई। इन्होंने कुछ नहीं 400 बाट हमें चार्ज किया था तो कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस के लिए। आप देख सकते हैं इधर सब के सब को रवीना के साथ बैठना था। रवीना भी एक्साइटेड थी इन्होंने सबको एक साथ बिठाने के लिए। ये जो है ये लेडी गागा है, ये ग्रीन वाला जो है इसका नाम लुलू है। मैंने भी ट्राई किया एक बार, मैंने कहा चलो मैं पकड़ के देखता हूँ। आप आगे देखिए, मैंने भी कोशिश की पर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इनको बिठाने में। यू नो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी, बट एनी हाउ मैंने इनको अपने हाथ में बिठाया दोनों को। दोनों छोटे लिए थे, बड़ा वाला मैंने नहीं लिया था, रवीना के पास था बड़ा वाला। रवीना तो कोशिश कर रही थी कि वो मेरे ऊपर बिठाए, पर मैं काफ़ी डर रहा था, बट फिर भी एनी हाउ मैंने हाथ में लिया इनको। ये जो बड़ा वाला रवीना के पास है, रवीना मेरे पास लेके आ रही थी कि तू इनको ले, ट्राई कर कुछ नहीं होगा, बट फिर भी मैं नहीं किया, मेरे को डर था। मैं तो एकदम स्टेबल खड़ा था इनको पकड़ के, आप देख सकते हैं वीडियो में, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इनको देखने का। यहाँ आप देख सकते हैं जैकी चैन और लेडी गागा, ये दोनों लवर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। यू कैन सी देम, देखो ना किस ईच अदर। ये लोग ऐसे करके लाइक दिखाते हैं, ये एक जरिया है पैसा कमाने का। ये लोग भी क्या करें ना, इन्होंने एग्जॉटिक पेट्स दिखा के टूरिस्ट को ये लोग भी कमा लेते हैं, तो टूरिस्ट भी खुश हो जाता है। इन्हों पेट्स को अच्छे से केयर भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रख रखा है, बट काफ़ी अच्छे से ये लोग केयर करते हैं। मैं रवीना को छोड़ देता हूँ उनके पास, रवीना उनके साथ बातें करती है। यू नो मैं यहाँ पे अपना काइट उड़ाता हूँ, मैंने ली थी काइट, मेरे को कभी मैंने बीच पैसे काइट नहीं उड़ाया, और पहली बार इतनी बड़ी पतंग मैंने देखी, तो मैं तो लेके उसको उड़ाने के लिए चल दिया। थोड़ी देर उसको उड़ाया, वहाँ की हवा से तो इतना उड़ रही थी, फिर भी मज़ा आया, खूब मज़ा किया हम लोगों ने। रवीना का बर्थडे भी था, तो ये भी एक अच्छा लाइक इवेंट हो जाता है। इन्हों लाइक ऐसे पैट्स मिल जाना, ऐसे भी हम पैट लवर है तो हमारे लिए तो अच्छा है। फिर मैं अपना काइट लेके निकल पड़ता हूँ उड़ाने के लिए रिजॉर्ट के बाहर बीच पे। थोड़ी देर में रवीना भी आ जाती है, रवीना पकड़ती है काइट और रवीना भी ट्राई करती है। रवीना ने भी आई गेस फर्स्ट टाइम ये वाली काइट ट्राई की है, जहाँ तक मेरे को मालूम है। वो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, इन्हों बीच पे लेके घूम रही थी, आप देख सकते हो। एंड वहाँ आप देख सकते हो जो लकड़ी के बन रखे वो झूले हैं, वहाँ बैठ के आप झूला भी झूल सकते हो। यू नो काफ़ी फन था बीच के सामने जो रिजॉर्ट, और काफ़ी महंगा भी था बट वर्थ था, क्योंकि यहाँ पे हमारा फूड ड्रिंक्स इंक्लूड था। मैं आपको रिजॉर्ट का लुक दिखाता हूँ कि कैसा रिजॉर्ट था, चलिए तो आप रिजॉर्ट देखिए। फिलहाल ये है रिजॉर्ट जो हमने बुक किया था रवीना के बर्थडे के लिए। ये देख सकते हैं पूल है, टेबल्स लगे हैं, बार है, म्यूज़िक था, काफ़ी अच्छा था। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि चलो अब बीच में जाते हैं, रवीना चेंज करके आती है और फिर हम निकल जाते हैं बीच के लिए। आप देख सकते हो रवीना जा रही है, रवीना को अंदर जाके पानी में नहाना था, वो चल दी। चलिए आप इंजॉय कीजिए हमारा बीच व्यू, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आप इंजॉय कीजिए हमारी मौज मस्ती।
को झूला मिल गया है। रवीना एंजॉय कर रही है झूला। एक झूला तो रवीना ने तोड़ दिया है।